पे रेडी हो रही हूँ फेशियल करने के लिए, सेल्फ पैम्परिंग। सो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मेरे फोरहेड पे कुछ हेयर वगैरह है कि नहीं, तो मैं उसे अच्छे से क्लीन करूँगी। वो सेविंग से जैसे क्लीन करती मैं हमेशा, वो एक्चुअली मेरे लिए बेटर होता है, थ्रेड और वैक्स से बेटर होता है। मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, ज़्यादा हेयर भी नहीं आते हैं एंड इट्स गेट वेरी क्लियर ऑल द हेयर्स। सो मैंने यहाँ पे एक टिश्यू ले लिया है क्योंकि जब वो क्लीन करते हैं तो फिर उसको देखते हैं कि कितना हेयर आते हैं, कितने डेड स्किन डेड्स वगैरह आते हैं। सो मैंने वहाँ पे सबसे पहले एलोवेरा जेल लगाया फोरहेड पे, फिर मैं इसे सेविंग कर रही हूँ, अच्छे से धीरे से क्लीन कर रही हूँ। सो मैंने मिडल में थोड़ा सा हेयर वगैरह रह गए थे, एक्चुअली सेविंग करने से क्या होता है ना, पूरे अच्छे से क्लीन हो जाते ओनली ऑन फोरहेड। मैं कहीं और सेविंग के अलावा थ्रेड नहीं करती हूँ क्योंकि बिकॉज फोरहेड पे क्या होता है ना, एक तो पतले स्किन होते हैं वो कट भी जाते हैं। सो इसीलिए मैं प्रिपेयर करती हूँ कि मैं सेविंग करूँ। और मैंने सबसे पहले वहाँ पे आपने देखा कि मैंने पानी डाला इसलिए क्योंकि मुझे स्टीम को रेडी करने थे, तो जब तक मैं स्क्रब लगाऊंगी वो स्टीम थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट स्क्रब किया क्योंकि मैंने तुरंत ब्लीच के बाद ही मैंने फेशियल करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने उसके बाद डायरेक्टली मैंने स्क्रब यूज़ किया। सो मैंने पूरा फेस पे स्क्रब अच्छे से यूज़ कर लिया, इसके बाद मैं स्टीम लूँगी। सो तब तक बाय द टाइम स्टीम, वो पानी गर्म हो जाते हैं तो स्टीम आ जाता है इजीली, टाइम भी सेव होता है। तो मैं यहाँ पे पूरे फेस पे अच्छे से स्टीम लूँगी, करीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने स्टीम लिया। उसके बाद मैं थोड़ा और हाथ से रफ करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक फोरियो का जो स्क्रबिंग मशीन था तो मैंने उसको यूज़ किया। एक्चुअली मैंने बहुत दिन से इसको यूज़ नहीं किया, ऐसे था मुझे याद भी नहीं रहता है। सो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं यहाँ पे फेस को क्लीन करूँगी। अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं उसे भी क्लीन करने पड़ता है। एक्चुअली ये पेनफुल होता है बट फिर भी क्लीन करने पड़ते हैं और इजीली रिमूव हो जाता है जब आप स्क्रबिंग एंड स्टीम लेते हो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरम यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी। सो मैं इसको इस सीरम से ही मैं पूरे फेस पे मसाज करूँगी। और मैंने मसाज का वीडियो फास्ट नहीं किया है तो मैं एक्चुअली मुझे मसाज चाहिए था, मैंने काफ़ी दिनों से मसाज नहीं किया था फेस को, तो मैं यहाँ पे अच्छे से फेस को मसाज करूँगी। मसाज होने के बाद मैं यहाँ पे पैक लगाऊंगी, बट उसके पहले आप इस वीडियो को स्किप मत करो, पूरे मसाज को देखो। आप सेल्फ मसाज भी अपने आप भी कर सकते हो। एक्चुअली मसाज करने से स्किन टाइटनिंग रहते हैं, लूज नहीं होते जल्दी। एंड यू नो, अगर आपका स्ट्रेस, एक तो काम का इतना स्ट्रेस होता है वो पूरे चेहरे पे दिखता है, तो इस तरह से आप अपने सेल्फ को रिलैक्स कर सकते हो पूरे अच्छे से। उतना बेटर नहीं होता है जब कोई अपने ऊपर करके देते हैं मसाज वगैरह जो भी हो, बट एटलीस्ट अगर आपको पता है तो आप अपने सेल्फ केयर के लिए कर सकते हो। बहुत रिलैक्स फील हुआ था मुझे, मैंने जब भी मैं करती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है एक्चुअली, क्योंकि एक तो मतलब काम का स्ट्रेस रहता है और उससे कोई केयर वगैरह नहीं हो पाते हैं, तो जब आप खुद के लिए थोड़ा कुछ करते हो तो वो अच्छा ही लगता है। फोरहेड का तो जो लाइक आइज के पास जो पोर्शन होते हैं वो तो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर वक्त हल्का हल्का पेन होते रहता है। सो मैंने इसलिए वहाँ पे ऐसा प्रेस करके मसाज किया, एक्चुअली मुझे पेन हो रहा था। उसके बाद मैंने इस तरह से, ये लिफ्टिंग है, इस तरह से जब आप चीक्स को ऊपर की तरफ मसाज करते हो तो इससे स्किन टाइटनिंग होते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे मसाज हो गया है, इसके बाद मैं बस हल्का वाइप कर लूँगी फेस को। वाइप करने के बाद मैं यहाँ पे एक अच्छा सा फेस पैक लगाऊँगी जो मैंने इंडिया से लिया है,
तो मेरे पास एंटी टैन पिगमेंटेशन का मास्क है, मैं इसे बस थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा मैं मास्क नहीं लगाती हूँ, ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ड्राई होने में वक्त लगता है। तो मैं यहाँ पे मास्क ले ली हूँ और अच्छे तरीके से पूरे फेस पे लगाना है। मैंने मास्क लगा लिया है, इसके बाद इसे आपको 15 से 20 मिनट रखना है। बाय द टाइम आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हो। तो ये पूरे अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो गए, आप देख रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। जब मैंने क्लीन किया ना, इट्स लाइक अमेजिंग, यू नो, इतना अच्छा मेरा फेस क्लीन हो गया, आई स्वेयर, बहुत ही अच्छे से मेरा फेस क्लीन हो गया। और मैंने यहाँ पे कोई फिल्टर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, ये विदाउट फिल्टर है। आप देख सकते हो कितना फेस क्लीन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।